हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक हमने 3.4 एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने जो समीकरण थी उनको विलोपन विधि से हल किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम एक नई विधि का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें केवल एक कंडीशन में ही इनका मान निकालना है, जो बाकी की दो कंडीशन है हमारी उनमें हमें इन्हें स्टोर नहीं करना है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें तो हमारा ये अद्वितीय हल नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ आपके लिए। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें जो स्थिति बनेगी वो अद्वितीय हल वाली ही बनेगी। तो देखिए उसको किस तरीके से करना है, चलिए देखते हैं। देखिए, वज्र गुणन विधि में सबसे पहले जो तीन कंडीशन दी गई हैं इनको देखना है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब समीकरणों के जो हैं अद्वितीय हल होंगे। इस स्थिति में आपको केवल सवाल को सोल्व करना है। दूसरा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तब कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तब आपको इसे यहीं पर छोड़ देना है, आगे हल नहीं करना है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में भी आपको इसे छोड़ देना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें आपको समीकरण दी है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको जो है सही फॉर्म में लिखना है। जैसे कि 2x + y और 5 को ले गए हम उस तरफ, -5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। ये समीकरण फर्स्ट, ये हमारी समीकरण सेकंड। यहाँ से हम a1 और a2 के मान निकालेंगे। a1 a2 के मान निकाला, 2 और 3 आए। b1 का मान यहाँ से 1 आया, b2 का मान 2 आया, c1 का मान -5 और c2 का मान -8। अब हम देखते हैं कि a1/a2 हमारा 2/3 आता है, b1/b2 हमारा 1/2 आता है, और 2/3 1/2 बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब क्या होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे। और अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें इसे वज्र गुणन विधि से जो है हल करना है। अब देखिए करना कैसे है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें x, y और 1, ये तीन चीज़ लिखनी है, x, y और 1, जगह छोड़ देंगे। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, इसके साइड में x के इस तरफ हम b1 और b2 के मान लिखेंगे। ये जो मान है हमारे, ये होंगे b1 और b2 का। x से आगे की तरफ जब हम चलेंगे, यहाँ हमें मान रखना है c1 और c2 का, ठीक है। इसके बाद हमें मान रखना है a1 और a2 का, और लास्ट में जाके फिर से हमें मान रखना है b1 और b2 का। तो हमें जो मान रखने हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इस तरीके से ये मान रखने हैं, क्लॉक वाइज हमें जो है ये चलाना है। दूसरा स्टेप जो है हमारा, x, y और 1 ऐसे रखेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -8 की 1 में करेंगे तो -8 आएगा। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच हमें ये वाला माइनस का चिन्ह सभी में लगाना है। -5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा बराबर। y के अपॉन में रखेंगे, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 15 आया माइनस का, ये वाला माइनस का निशान सभी में लगना ही है। और 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16 आ गया। 1 का रखा, 2 की 2 में करेंगे, 2 × 4 आ गया, 3 × 3 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x/, ये माइनस का 8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10, तो प्लस के 10 है, माइनस के 8, तो प्लस के 2 बचे, यानी कि x/2 बराबर का निशान है। y/-15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 16, तो y/1 आ जाएगा, और 1 यहाँ था, 4 में से 3 गया, तो ये भी क्या आ गया,
वन आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, एक बार x अपॉन टू को वन अपॉन वन के साथ लेना है, एक बार y अपॉन वन को वन अपॉन वन के साथ लेना है, यानी कि x वाली वैल्यू को भी इसके साथ लेना है और y वाली वैल्यू को भी इसके साथ लेना है। तो x अपॉन टू बराबर वन अपॉन वन, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वन में तो x का x आ गया, और टू की वन में करेंगे तो टू आ गया, यानी कि x की वैल्यू आई हमारे पास टू। ऐसे ही y अपॉन वन बराबर वन अपॉन वन करेंगे तो y की वन में मल्टीप्लाई करेंगे y आ गया, और वन की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास वन। तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई आते हैं x बराबर टू और y बराबर वन, ये हमारे पास इनके आंसर आ जाएंगे। जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं उनको आप अपने आप सोल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले उसका ये पता लगाएंगे कि उसके अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं, और अगर अद्वितीय हल है तभी आपको ये आगे का प्रोसेस करना है, नहीं तो सवाल को वहीं छोड़ देना है।